हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ नदीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो दिस इज़ आवर अनदर एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में आप देख सकते हैं द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा सो इस बुक का एनालिसिस करेंगे जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में कॉन्टेंट के बारे में वन बाय वन इसके चैप्टर्स से गो थ्रू होंगे और इसके प्राइस रेट के बारे में कि कितने की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों को जानेंगे फिर इसका एनालिसिस करने के बाद इसको, इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ फाइव तो चलिए शो करते हैं सो so, दोस्तों ये है द इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिन्ररी एंड मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सो द इंडियन इकोनॉमी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए काफ़ी इकोनॉमिक्स के फील्ड में काफ़ी अच्छी बुक है और ये रिटन बाय है संजीव वर्मा संजीव वर्मा काफ़ी अच्छे होता हैं और इसका जो पब्लिकेशन है वो यूनिक पब्लिकेशन यूनिक पब्लिकेशन का स्टेप टूवर्ड सक्सेस इसका जो टाइटल वन लाइनर है और देख सकते हैं आप इसके कवर के बारे में सो so चलते हम इसके कॉन्टेंट के बारे में देखते हैं सो so ये देख सकते हैं आप ये सेवंथ एडिशन रिवाइज एंड अपडेटेड एडिशन है सो so या यही थे इस बुक के बारे में सो so अब इसके कॉन्टेंट के बारे में देखते हैं सो so इसका जो कंटेंट है बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ए है डोमेस्टिक इकोनॉमी डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब इंटरनल इकोनॉमी जो इंडिया के जो इंटरनल इकोनॉमी होती है फिर है पार्ट बी एक्सटर्नल सेक्टर लुकिंग आउटवर्ड्स फॉर जो इंटरनेशनल जो जो इसके एक्सपोर्ट्स होता है इंडिया में और जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट ग्लोबल ओरिएंटेशन होकर जो अपना एक्सपोर्ट सेक्टर का जितने भी चैप्टर्स वो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आते हैं फिर आता है पार्ट सी ग्लोबल इकोनॉमी एंड आउटलुक फिर पार्ट डी द इंडियन इकोनॉमी रिविजिटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे रिविजिटेड आउटलुक आउटबुक एंड चैलेंज सो वन बाई वन इसके गो थ्रू हो जाते हैं चैप्टर्स के सो पार्ट वन है डोमेस्टिक इकोनॉमी चैप्टर वन आउटपुट ऑन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी चैप्टर टू टू वर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर सो ये था सेवन चैप्टर लैंड रिफॉर्म्स एन अदर परस्पेक्टिव ये देख सकते हैं आप साइलेंट फीचर न्यू इंडिया फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन फिर उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी 2031 थर्टी वन टू ट्वेंटी फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट फाइनेंसिस फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन मोनिट्री पॉलिसी कमेटी फिर आता है बैंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंकिंग फिर आता है इन्फ्लेशन फिर आता है कैपिटल मार्केट सेवनटीन चैप्टर हो जाते हैं फिर उसके बाद आता है एटीन चैप्टर प्लानिंग इन इंडिया फिर आता है पार्ट बी एक्सटर्नल सेक्टर लुकिंग आउटवर्ड्स टूवर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड बियड उसमें देखते हैं लुकिंग आउटवर्ड टूवर्ड ग्लोबलाइजेशन नाइनटीन चैप्टर है फिर उसके बाद आता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज़ ग्लोबलाइजेशन फिर उसके बाद आता है जैसा आप देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन फिर उसके बाद आता है एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ स्ट्रेटी एस ईजीज़ फिर आता है फॉरन ट्रेड पॉलिसी फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ इकोनॉमीज़ बी ओ पी फिर उसके बाद आता है ट्वेंटी फिफ्थ चैप्टर आप देख सकते हैं ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा 1999 फिर उसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फिर उसके बाद आता है मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ इंडिया फिर उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉग्स फिर उसके बाद आता है पार्ट सी ग्लोबल इकोनॉमी एंड आउटलुक पोस्ट क्राइसिस एंड बियॉन्ड फिर उसके बाद आता है इंडिया एंड द ग्लोबल इकॉनॉमी फिर ग्लोबल इकोनॉमी अ ट्रांजिशन लेसन फ्रॉम द क्राइसिस इन ओपन इकोनॉमीज़ फिर उसके बाद आता है थर्टी फिफ्थ चैप्टर ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्ट डाउन आप देख सकते हैं फिर उसके बाद आता है थर्टी सिक्स चैप्टर ओवरव्यू ऑफ रिसेंट क्राइसिस सिंस ट्वेंटी जीरो एट फिर उसके बाद आता है थर्टी एट चैप्टर ग्लोबल कंसेंसस गोइंग फॉरवर्ड फिर उसके बाद आता है थर्टी एट चैप्टर ग्लोबल अनरिजोल्व इशूज़ फिर थर्टी नाइन चैप्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ इशूज एंड इंडिया फिर पार्ट डी लास्ट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी रिविजिड आउटलुक एंड चैलेंजेस इसमें आता है फोर्टी चैप्टर इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर फोर्टी फर्स्ट चैप्टर आता है लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी आउटलुक एंड चैलेंजेस सो इसमें टोटल फोर्टी वन चैप्टर्स है काफी चैप्टर्स है सो या so, yeah, ये थे इस बुक के बारे में ये पार्ट वन डोमेस्टिक इकोनॉमी इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं कि इसका लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या है सो so, इसका ये फर्स्ट पैरा है कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट so what would we understand if we were told if we were told that uh, today the largest economy in the world is the us surely we would wonder about the parameter of such a just land area population or output so in every economy goods are being produced that is raw materials are being converted uh, into finished goods agricultural crops forestry livestock steel cement cars cycles bread etc similarly services are also being rendered like banking insurance shipping etc all of these have a uh, monetary value in the local currency like the usd in the us and the inr in india so aap jaise dekh sakte hain ki iska level of language uh, moderate language mein kahunga easy to uh, moderate की तरफ को mold करता है ज़्यादा hard नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे examples देके इसको समझाया गया है so, सो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न ऑफ राइटिंग देख सकते हैं आप डायग्राम का भी यूज़ किया गया है इसमें और ये ज़्यादा मोटी बुक नहीं है इसमें फोर्टी वन चैप्टर्स है लेकिन काफ़ी पतली बुक है और इसमें देख सकते हैं आप पेजेस लगभग थ्री फिफ्टी नाइन पेजे है टोटल खाक इसमें आप देख सकते हैं और फोर्टी वन चैप्टर्स है तो चैप्टर्स को देख के आप इतने घबराए नहीं ये काफ़ी पतली बुक है ज़्यादा ठीक नहीं है सो द इंडियन इकोनॉमी आप देख सकते हैं और ये जो बुक है इसमें जैसा आप देख सकते हैं द बुक कवर्स द फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन एडिकेट डिटेल तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर की गई है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर की गई है और ये फोकस करती है रिसेंट डेवलपमेंट जो डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमिक्स में जो हुए हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए दोनों के ये कवर uh, करती है सो so, यहाँ बिल्कुल फैक्ट uh, uh, जो डायरीज होती है जो फैक्ट्स सी फैक्ट होते हैं किसी बुक में उस तरीके की बुक नहीं है इसमें जो है काफ़ी कंसेपच्चुअल क्लियरिटी देती है ये बुक आपको इंडियन uh, इकोनॉमी के जितने भी फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं सो so, जो इसका जो प्राइस रेट है वो है टू एट्टी यहाँ देख सकते हैं आप टू एट्टी बुक का प्राइस रेट है सो so, या yeah, इसमें कुछ अगर आपको ऑफलाइन कुछ डिस्काउंट मिलता है सो so, आप एक बार uh, शॉप पर जाके पूछ सकते हैं यहाँ पर भी एक बार इसका रेट लिखा हुआ है देख सकते हैं आप टू एट्टीज का प्राइज़ रेट है So, yeah, यही था इस बुक के बारे में सो so, दोस्तों ये था द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा संजीव वर्मा इसके राइटर है और जैसा आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो जो पेपर थ्री है उसमें इकोनॉमिक्स का काफी अच्छा पोर्शन कवर होता है और उसमें जितने भी रिसेंट जो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हुए काफी करंट uh, रिलेटेड uh, जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछता है सो so, ये जो बुक जो है करंट रिलेटेड इश्यूज को भी कवर करती है और इसके जो फंडामेंटल जो कोर सब्जेक्ट्स है जो कोर लेसन है उसको भी कवर कर सकती है सो so, एक मैंने बुक का रिव्यू करा था रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी के बारे में सो उसमें जो जितने भी फंडामेंटल चैप्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छी बुक है और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको पूरी हिस्ट्री से लेकर अपना जितना भी इकोनॉमिक्स का जो आपका बेस क्लियर करना है तो आप इस बुक उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं रमेश सिंह को लेकिन अगर आप सिर्फ यू के परस्पेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं और आपकी जो एन है काफ़ी कवर्ड है और आप न्यूज़पेपर के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनको भी कवर कर रहे हैं सो आपके लिए एक बुक काफ़ी मोर देन इनफ है द इंडियन इकोनॉमी अगर आप यूपीएससी के एस परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छी बुक लिखी गई है सो या ये थे इस बुक के बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं सो हैव अ गुड डेट बाय बाय